हेलो एवरीवन, वेलकम टू समीला किचन। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन स्टाइल में आलू की भाजी। ये देखिए कितनी टेस्टी है ना, इसी तरीके से बनाएंगे। ये हमने आलू हमने काट लिए थे, इन्हें भुजिया की शेप में हमने काट लिया और हमने अपने कढ़ाई को गैस पे रख दिया है गर्म होने के लिए। और जब गैस मतलब गर्म हो जाएगा तब हम इसके अंदर तेल डालेंगे। ये देखिए हमने इसके अंदर तेल डाल दिया और तेल गर्म होने के बाद हमने इसके अंदर एक बड़ा कटा हुआ प्याज हमने इसके अंदर डाल दिया है और फिर से भून लेंगे। फिर इसके अंदर हमने जो मिर्ची थी, हमने लाल मिर्च को तोड़ लिया था, वो डाल देंगे। फिर इसके अंदर कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे 5 से 6 और इन्हें अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। इसे हमें अच्छी तरीके से फ्राई करना है, सॉटे करना है इसे अच्छी तरीके से। ये देखिए हमारा जो हमने जो डाला था प्याज, ये व्याज सब कुछ भून चुका है अच्छी तरीके से। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से भून चुका है ना। अब ये भुनने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे अपने कटे हुए, ये जो हमने एक बारीक काट रखे थे आलू, वो हम इसके अंदर डाल देंगे और इसे भी अच्छी तरीके से इसमें मिला लेंगे और भुनेंगे इसे भी अच्छी तरीके से। हम इसे भी मिलाएंगे। ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से अच्छी तरीके से इसको मिला लेंगे। देखिए हमारा अच्छी तरीके से सब कुछ मिल चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे हल्दी, काली मिर्च का पाउडर, जीरा पाउडर और गरम मसाला, एक एक चम्मच हमने ये सब कुछ लिया है। हम इसके अंदर ये मसाले डाल देंगे अपने सूखे मसाले। हमने इसमें एक्स्ट्रा से लाल मिर्च नहीं डाला है क्योंकि हमने हरी मिर्च डाली थी। और ये स्वाद अनुसार नमक, आप चाहे तो लाल मिर्च, अगर आपको ज़्यादा ही तीखा चाहिए तो आप लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। ये देखिए हमारा ये मिक्स हो चुका है। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है ना। ये देखिए कितना अच्छे तरीके से हो चुका है हमारा। ये मसाले वाली भाजी हमारी तैयार हो चुकी है, अब चलते हैं इसे सर्व करने। ये देखिए हमारी मसाले वाली भाजी तैयार है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।